दोस्तों अगर आप भी सौरव गांगुली को एक बेहतरीन बीसीसीआई अध्यक्ष मानते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के हाथों टेस्ट और वनडे में बुरी तरह से हार कर भारतीय सरजमी पर लौट आई है, जहां भारतीय टीम को वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 की सीरीज खेलनी है, जिसके लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। तो वहीं भारतीय टीम के 8 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इसके बाद भारतीय टीम आइसोलेट कर दी गई है और सौरभ गांगुली ने इसी बीच अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं सौरभ गांगुली की टीम के बारे में, लेकिन उससे पहले सौरभ गांगुली और जय शाह में से किस व्यक्ति का बीसीसीआई में सबसे अहम योगदान है, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे से हारने के बाद अपने मनोबल को नीचे गिराकर भारतीय सरजमी पर वापस आ गई है, लेकिन अपने घरेलू सरजमी पर टीम इंडिया का प्रदर्शन हमेशा से ही बेहतरीन रहा है और फरवरी के महीने में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के साथ वनडे और टी20 सीरीज खेलेगी, जिसमें वो हाल ही में साउथ अफ्रीका दौरे में हार का बदला जीत लेना चाहेगी, जिसके लिए वनडे सीरीज कोरोना के कारण अहमदाबाद में खेली जाएगी और टी20 सीरीज कोलकाता में खेली जाएगी, जिसमें वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 6 फरवरी को, दूसरा मुकाबला 9 फरवरी को, तीसरा मुकाबला 11 फरवरी को खेला जाएगा और वहीं टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 16, दूसरा मुकाबला 18 और तीसरा मुकाबला 20 फरवरी को खेला जाएगा। और साउथ अफ्रीका में भारतीय टीम टेस्ट सीरीज को 2-1 से हारने के बाद वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप होकर वापस आई है। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए बहुत ही बुरी खबर सामने आई है, जिसमें भारतीय टीम के 3 खिलाड़ी और कई स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और संक्रमित होने वाले 3 खिलाड़ियों के नाम भी सामने आ गए हैं। और आपको बता दें कि ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ और मध्यम क्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर संक्रमित होने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं और न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 3 खिलाड़ियों के अलावा कुछ सपोर्टिंग स्टाफ भी कोरोना संक्रमित मिले हैं और संक्रमित होने वाले स्टाफ की संख्या 2-4 हो सकती है और अहमदाबाद पहुंचते ही इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और साथ ही साथ कई और भी खिलाड़ी संक्रमित आ सकते हैं और फिलहाल टीम इंडिया के सभी सदस्यों को आइसोलेट कर दिया गया है। और इस बीच बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि शिखर धवन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और 3 नंबर पर विराट कोहली उतरेंगे और 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव उतर सकते हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ संक्रमित हो गए हैं और श्रेयस अय्यर भी संक्रमित पाए गए हैं। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत भारतीय टीम के सबसे मुख्य खिलाड़ी माने जा रहे हैं और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शाहरुख खान को टीम में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में घरेलू टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और उन्हें स्टैंड बाय खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों कोरोना संक्रमित पाए गए खिलाड़ियों की जगह इन्हें टीम में एंट्री मिल सकती है और इनके साथ ही वॉशिंगटन सुंदर और दीपक हुड्डा ऑलराउंडर के रूप में शामिल हो सकते हैं, जो अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर टीम को मजबूती देंगे और साथ ही साथ स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव इस पोजीशन पर उतर सकते हैं और साथ ही साथ तेज गेंदबाज के रूप में शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर खेलते हुए दिख सकते हैं। दोस्तों मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है और इन्हें अपने प्रदर्शन से वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की करने का बेहतरीन मौका है और इनका साथ देने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा उतर सकते हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। दोस्तों आपके हिसाब से कोरोना संक्रमित पाए गए खिलाड़ियों की जगह किन खिलाड़ियों को भारतीय टीम मौका दे सकती है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।